नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान वीडियो, राजस्थान ग्राम सेवक को लेकर। राजस्थान ग्राम सेवक की कट ऑफ क्या रह सकती है? आपने परीक्षा दे दी होगी और बहुत आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। कोई बोल रहा है कि जिसके 160 में से 120 क्वेश्चन सही है, 115 क्वेश्चन सही है, उस बच्चे का सलेक्शन होगा, उससे कम वाले का सलेक्शन नहीं होगा। तो आपके कहने से दोस्तों मैंने पोल करवाया था, उस पोल के मैं आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूँ कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकती है। तो आपका काम है दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं आपको दोस्तों प्रूफ के साथ बताने वाला हूं कि कट ऑफ क्या जा सकती है। ऐसे ही नहीं फैक्टर दोस्तों, दोनों चैनलों पर पोल करवाया है, उस पोल के आंकड़े मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो सीधे मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों सीधे कट ऑफ की तरफ। तो पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपसे बोलते हैं ना कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है जो बोल रहे हैं ना कि पेपर का लेवल बहुत सरल था। दोस्तों सिर्फ 2-3 सब्जेक्ट सरल आ जाने से पूरा पेपर सरल नहीं होता। हिंदी के आपको पता हो क्वेश्चन कैसे आए थे, जिनकी हिंदी अच्छी खासी थी ना उन बच्चे के भी क्वेश्चन गलत हुए हैं। साइंस के आपको पता हो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आए थे, जिनकी साइंस बहुत अच्छी थी उन बच्चे के भी क्वेश्चन गलत हुए हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पेपर दोस्तों मीडियम लेवल था, न तो ज्यादा कठिन था न ज्यादा दोस्तों सरल था, मीडियम लेवल था। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं फिर इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। तो पहले तो मैं आपको दोस्तों आंकड़े बता देता हूं जो मैंने पोल करवाई है, इसके आंकड़े आप देख सकते हो। ज्यादातर बच्चों को जो स्कोर निकल क्या रहा है, मैंने उनसे पूछा था कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, तो ज्यादातर का स्कोर निकल क्या रहा है 80 से लेकर 95 के बीच में। कितना आ रहा है दोस्तों, 40% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर निकल क्या रहा है 80 से लेकर 95 के बीच में। लेकिन दोस्तों 118 प्लस, आप इनको देखकर मत घबराना, 118 में दोस्तों वो बच्चे शामिल हैं जो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम भी नहीं दी लेकिन तब भी उन्होंने वोटिंग कर दी। तो 118 पे आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ दोस्तों वो हैं कहीं ना कहीं नेगेटिव करके आए हैं, जो आंसर की मिलाएंगे दोस्तों तब वो नीचे गिर जाएंगे, या फिर दोस्तों इन्होंने तुक्के मारे हैं सिर्फ ऐसे ही। तो ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको यहां पर फोकस करना है वो 40% बच्चों पे करना है जिनका स्कोर निकल के आ रहा है 95 से कम। और ज्यादातर के दोस्तों जो मेरे पास कमेंट आ रहे थे, जो मुझसे मिलने आए थे, वो भी यही बोल रहे थे कि मेरे 160 क्वेश्चन में से 88 क्वेश्चन सही है, 90 सही है, 95 सही है, 102 सही है, इस प्रकार के दोस्तों बोल रहे थे। तो ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना, जो लंबी लंबी फेंकते हैं ना वो कहीं ना कहीं बाद में दोस्तों नीचे गिर जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कट ऑफ क्या रह सकती है, तो सीधे मैं आपको दोस्तों कट ऑफ की तरफ लेकर चलता हूं। मेल की फीमेल की दोनों की कट ऑफ बता देता हूं दोस्तों। तो जनरल कैटेगरी मेल में दी आपके 105 से लेकर 108 क्वेश्चन सही है, फीमेल में दी आपके 104 से लेकर 107 क्वेश्चन सही है। मैं यहां पर क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं, नंबरों की बात नहीं कर रहा। 160 में से दी आपके इतने क्वेश्चन सही है, तो फीमेल में दी आपकी जनरल कैटेगरी फीमेल में 104 से लेकर 107 क्वेश्चन सही है, तो आप बिल्कुल सेफ नजर आ रही हैं। इधर को ओबीसी कैटेगरी मेल में 105 से लेकर 107 क्वेश्चन सही है, 160 में से, वो भी बिल्कुल सेफ नजर आ रही है। इधर को फीमेल की बता दूं, ओबीसी फीमेल की 103 से लेकर 105। दोस्तों मैं आपको बता दूं जनरल कैटेगरी मेल की और ओबीसी कैटेगरी के मेल की, इनमें दोस्तों सिर्फ 1-2 नंबर का ही अंतर रहेगा, इससे ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो आप ओबीसी की मेल की देख सकते हो, फीमेल की यहां पर देख सकते हो। ईडब्ल्यूएस में यदि आपके मेल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में 104 से 106 क्वेश्चन आपके सही है, तो आप बिल्कुल मुझे सेफ नजर आ रहे हो। इधर को फीमेल कैटेगरी में यदि आपके 102 सही है, ईडब्ल्यूएस से 102 के आसपास सही है, तब भी आप बिल्कुल सेफ नजर आ रहे हो। आगे बता दूं एमबीसी कैटेगरी मेल में 104 से लेकर 105 क्वेश्चन यदि आपके सही है, तो आप बिल्कुल सेफ नजर आ रहे हो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फीमेल कैटेगरी में 102 के आसपास यदि आपके सही है, एमबीसी कैटेगरी में 101-102 के आसपास सही है, तो आप एमबीसी कैटेगरी फीमेल में बिल्कुल सेफ नजर आ रहे हो। इसी प्रकार एससी और एसटी, इनकी कट ऑफ कम रहती है, तो एससी एसटी मेल में जिस किसी के भी 101-102 क्वेश्चन भी सही है, तो वो बच्चा भी बिल्कुल सेफ नजर आ रहा है। इधर को फीमेल की बता दूं, एससी एसटी फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है 95 से लेकर 100 के बीच में, भी आपके क्वेश्चन सही है एससी एसटी फीमेल में, तो वो भी बिल्कुल सेफ नजर आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं विधवा कोटा तलाकशुदा एक्स सर्विसमैन, इनकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। यदि आप इन कोटों से आते हो, जैसे कोई फीमेल है जो विधवा कोटा से आती है, तलाकशुदा है या एक्स सर्विसमैन से, तो यदि आपके 85-90 के आसपास भी क्वेश्चन सही है, 90 के आसपास भी, तो वो भी बिल्कुल सेफ नजर आ रहा है। कट ऑफ इतनी रहने वाली है, इससे ज्यादा दोस्तों कट ऑफ नहीं जाएगी। और जो आपसे बोल रहे हैं ना कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, ऐसे लोगों पे आपको ध्यान नहीं देना, ऑथेंटिक मैंने आपके सामने कट ऑफ रख दिया है, इतनी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज्यादा दोस्तों जाने के कोई चांस ही नजर नहीं आ रहे। क्योंकि जो बोल रहे हैं ना पेपर का लेवल बहुत सरल था, 1 या 2 सब्जेक्ट दोस्तों
दोस्तों सरल थे, हम मान सकते हैं। जैसे दोस्तों हिंदी आपको पता होगा कितनी कठिन थी, बच्चों पे क्वेश्चन ही सही नहीं हुए। इसके अलावा आप देख लेना दोस्तों साइंस, साइंस के क्वेश्चन बच्चों पे सही नहीं हुए, तो आप मान सकते हैं मीडियम लेवल का पेपर था। तो इतनी आपको कट ऑफ दोस्तों मुझे नजर आ रही है और इतनी कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।